माई लवली वीवर्स, वेलकम बैक टू माई चैनल। आज के इस वीडियो में हम बना रहे हैं साबूदाना वड़ा। अक्सर लोगों की कंप्लेन होती है साबूदाना वड़ा बन तो जाता है लेकिन वो कभी कभी ऑयल में बिखर जाता है या फिर वो ऑयल बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेते हैं, बहुत ही ऑयली बनते हैं। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स दूंगी जिससे आपका साबूदाना बहुत परफेक्टली बनेगा, इसलिए आप रेसिपी को एंड तक देखिए। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए ताकि हमारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलते रहें। ये हमने लिया है 250 ग्राम साबूदाना, उसे हमने 2 से 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। और ये हमने लिए 3 मीडियम साइज़ के आलू, हरे मिर्च का पेस्ट, पुदीना, जिंजर गार्लिक पेस्ट, नमक, सिंगदाना और लाल मिर्ची का पाउडर। ये हमने मिक्सिंग बाउल में साबूदाना ले लिया है, इसमें हम डाल देते हैं 3 मीडियम साइज़ के आलू, उसे मैंने बॉईल करके ग्रेट कर लिया है, आप चाहें तो मैश भी कर सकते हैं। नेक्स्ट उसमें हम डाल देते हैं सिंगदाना, इसे मैंने तवे पे रोस्ट कर लिया और फिर उसे हमने दरदरा ग्राइंड कर लिया। नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च का पेस्ट, आप चाहें तो हरी मिर्च बारीक काट कर भी डाल सकते हैं, जिंजर गार्लिक पेस्ट, लाल मिर्च का पाउडर डाल लें थोड़ा, नमक टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। और अब मैं इसमें डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ पुदीना, आप चाहें तो हरा धनिया भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं। तो हमारी टिप नंबर 1 ये है कि जब आप साबूदाने को भिगोते हैं तो भिगोने से पहले आप उसको 2 से 3 बार वॉश कर लें ताकि उसका सभी स्टार्च निकल जाए। और फिर उसे जब पानी डालकर भिगोते हो तो आप बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालें, उसके लेवल तक ही डालें और 2 से 3 घंटे के लिए भिगो। उससे आपके साबूदाने बहुत ही खिले खिले बनेंगे। तो देखिए ये बाइंड हो गया है, अब हम इसके वड़े बनाना शुरू करते हैं। इस तरह आप ले लें हाथ में, फिर उसे रोल कर लें। पहले मैं पाम्स पे थोड़ा सा पानी अप्लाई कर लेती हूँ ताकि ये मेरे हाथों पर ना चिपके। तो इस तरह से पहले हम इसे रोल कर लेंगे, अच्छी तरह से स्मूथ बॉल बना लें और फिर अब हम इसे प्रेस कर देंगे। इस तरह आप इसे शेप कर लें। ये देखिए इस तरह से आप बनाएं। इसी तरह से मैं बाकी के वड़े भी बना लूंगी। तो हमारी सबसे इम्पोर्टेंट टिप यही है कि आप उसे बहुत ज़्यादा टाइम तक पानी में ना भिगो के रखें, 2 घंटे मैक्सिमम रखें और उसमें पानी बहुत ज़्यादा नहीं डालें। तो इस तरह से हमने देखिए साबूदाने वड़े बना लिए हैं, परफेक्टली बिल्कुल खिले खिले दिख रहे हैं। अब हमने ऑयल को हीट कर लिया था, अब फ्लेम को मीडियम कर दिया है, हम इसे मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेते हैं। गोल्डन ब्राउन होने तक इसे फ्राई कर लें और चेक करते रहें और उसे पलट लें दूसरे साइड से भी ताकि वो हो जाए। तो अगर आप इस टिप को फॉलो करोगे तो आपके साबूदाना वड़ा बिल्कुल भी ऑयल एब्जॉर्ब नहीं करेगा। तो देखिए ये हो गए हैं, हम इसे निकाल लेते हैं। तो देखिए हमारे बहुत ही परफेक्ट साबूदाना वड़ा रेडी हो गया है। आप इसे अपनी फेवरेट ग्रीन चटनी के साथ या कोई भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। देखिए इसने ऑयल बिल्कुल एब्जॉर्ब नहीं किया है क्योंकि हमने सारा स्टार्च उसे वॉश करके निकाल दिया था। अब आप इस तरह से भी खा सकते हैं और मैं आपको एक यूनिक स्टाइल बताऊंगी, इस तरह से खाओगे तो वो और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। मैंने लिया है दही, उसके अंदर हमने डाल दी थी चीनी, तो हमने दही को मीठा कर लिया है। नेक्स्ट हम इस पर डाल देते हैं थोड़ा सा चाट मसाला, अगर आपके पास अमचूर पाउडर है तो आप अमचूर पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट ये हमने बनाई है इमली की खट्टी मीठी चटनी, इमली की खट्टी मीठी चटनी भी डाल देते हैं। इस तरह खाने से साबूदाने का टेस्ट और ज़्यादा एनहांस हो जाता है, आप एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई कीजिए। और ये है हमारे पास हरे धनिए की चटनी।
तो देखिए हमारे साबूदाना वड़े बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो गए हैं, तो आप सभी इस स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिए तो आपके साबूदाना वड़े भी बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे, ना वो टूटेंगे और बिल्कुल खिले खिले इसी तरह बनेंगे। तो अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए।